हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे इमोशनल ईएमएफ में कुछ न्यूमेरिकल्स। उसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे और साथ में जेई के न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जेई में दिया जाता है। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते अगर कंसेप्ट पता हो। इसलिए सबसे पहले आप इमोशनल ईएमएफ का कंसेप्चुअल वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने इमोशनल ईएमएफ की थ्योरी बताई है और डेरिवेशन करवाया है। इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिलेगा। तो आओ पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम्स रेजिस्टेंस। तो पहले इस फिगर को समझो। ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कंडक्टर की लेंथ है 2 मीटर और कंडक्टर जो है इस वायर पे रखा हुआ है। ये वायर एक रेल की तरह काम कर रही है इस कंडक्टर के लिए, मतलब ये रेल है और ये रेल गाड़ी। अब इसी रेल में एक रेजिस्टेंस है 5 ओम्स की। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस में? तो ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है B=1 टेस्ला। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। करंट निकालना है। देखो, अब हमें पता है कि जब ये कंडक्टर आगे बढ़ेगा तो ये जो एरिया है इस लूप का, ये चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है उसका फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो होती है BLV। ठीक है, ये आपको पता है। बी दे रखा है 1 टेस्ला, एल इज 2 मीटर, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू 1 × 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये तो आ गए इंड्यूस ईएमएफ। अब आपको निकालना है करंट। करंट इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ लगा दिया, V=IR। ये तो पता ही है ना, इंड्यूस ईएमएफ कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया 10, रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, तो करंट हो गया 2 एम्पियर का। अब बात आती है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। वैसे तो यहां पर न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, हमारा आंसर निकल आया है। आप सोच रहे हो कितना इजी न्यूमेरिकल है। इजी है अगर ये कंसेप्ट पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने करंट की डायरेक्शन नहीं पूछी और पोलैरिटी नहीं पूछी। मान लो पूछते करंट की डायरेक्शन दिखाओ, तो हम लगाते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस रूल में हम इन एक अंगूठे के और 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली उंगली ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करती है, थंब पॉइंट करता है वेलोसिटी की तरफ, और ये उंगली पॉइंट करती है, जो ये हिल रही है उंगली, ये करंट की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जहां अंगूठा दिखाया गया है, तो करंट क्या हुआ? ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ हुआ करंट, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई, ये है आई, आई ऐसे फ्लो कर रहा है। आगे बात समझ में? तो ये रूल याद रखना। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी? ये कंडक्टर एक बैटरी में कन्वर्ट हो गया है, इसमें ईएमएफ है और करंट फ्लो कर रहा है, तो पोलैरिटी ऐसे होगी। देखो करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, तो पोलैरिटी क्या होगी? हायर पोटेंशियल ये हो गया, लोअर पोटेंशियल
ये, क्योंकि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो दिस इज द पोलैरिटी। तो ये अपने आप में आप कंप्लीट है सॉल्यूशन, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। चलो इस न्यूमेरिकल को समझो और नोट डाउन कर लो, हम दूसरा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो जेई 2019 में आया था और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये क्वेश्चन। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें 5 ओम्स की एक रेजिस्टेंस थी, सिंपल सी रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें जो है मूविंग कंडक्टर से कनेक्टेड ये एक सर्किट है रेजिस्टेंस का, और साथ में ये भी दे रखा है कि ये जो कंडक्टर है इसकी भी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमें दिया हुआ क्या है कि ये एक स्क्वायर लूप है, लिखा है ना, ये एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसका मैग्नीट्यूड है 1 टेस्ला। कितना है? 1 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आउटवर्ड, सही है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1.7 ओम्स, तो ये जो कंडक्टर है इसकी अपनी रेजिस्टेंस 1.7 ओम्स है। अगर इस लूप को आप गौर से देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ यही वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को काट रहा है, इस वाले पार्ट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को समझे, जैसे ये वाला पार्ट है ये मूव कर रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, तो ये ना काटेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, ये नहीं काटेगा ये वाला पार्ट, और ये वाली जो साइड है ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, यानी जितना भी फ्लक्स में चेंज आया है वो इस लेंथ की वजह से आया है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ क्यों होती है? जब फ्लक्स में चेंज आता है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो सिर्फ इस लेंथ की वजह से होगी कंडक्टर की, तो वो हो जाएगी बी एल वी। बी क्या है? बी दे रखा है 1 टेस्ला, लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 5 × 10^-2 मीटर, सही हो गया, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10^-2 मीटर पर सेकंड। तो ये इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी आपकी 5 × 10^-4 वोल्ट। देखो इंड्यूस ईएमएफ आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस लूप में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ईएमएफ पता लग गई, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पता कर लो, आपको करंट पता लग जाएगा जैसे पिछली बार हमने निकाला था। हालांकि यह बोर्ड पे नहीं लिखा कि हमसे पूछा क्या गया है, लेकिन वो जो आईआईटी 2019 में जो आया था क्वेश्चन उसमें करंट पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड। अब आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले तो इस सर्किट को सॉल्व करोगे। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो एक तरीके से देखा जाए तो मल्टीपल कंसेप्ट की प्रॉब्लम हुई, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा, ठीक है, मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट लगा, और यहां पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगेगा। प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट भी पता है,
आपको मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट भी पता है। जब दोनों कंसेप्ट पता है तो प्रॉब्लम सिंपल है भाई। जिस प्रॉब्लम का कंसेप्ट पता होता है वो सिंपल होती है, जाहिर सी बात है। अब यहां पर एक इस क्वेश्चन की जगह अगर ये आ जाता, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन्स सन, तो परेशानी हो जाती। ये आपको पढ़ाया थोड़ी गया है, ठीक है ना। ये वाला सब तो पढ़ाया गया है आपको, ये कंसेप्ट भी बताया, ये भी बताया, तो ये क्वेश्चन तो भाई आसान है, जेई में आया हुआ है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। अब इस सर्किट को देखो आप, ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोर ब्रिज है। क्यों? क्योंकि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। ए बी क्या है? 1 ohms, ए डी 1 ohms, बी सी 2 ohms और ये डी सी भी 2, तो 1 = 1। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होने का अर्थ ये हुआ कि जो बीच का जो ये रेजिस्टेंस है 3 ohms, इसमें करंट नहीं जा रहा, इसमें करंट नहीं जा रहा, तो इसको हटा दो। अब ये सर्किट ऐसा बन गया, ठीक है, अब ये ऐसा बन गया। तो ये दो रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो गई और ये भी सीरीज में हो गई, तो ये सर्किट की शेप ऐसे आ जाएगी। देखो यहां बनाते हैं, ये सीरीज में है तो 1 + 1 2 ohms, ये 2 ohms, ये सीरीज में है तो 2 + 2 4 ohms, ये 4 ohms, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हुई, ये दोनों पैरेलल में हुई, तो इनके कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/R = 1/2 + 1/4, ये कितनी हो जाएगी, 4 + 2/8, ये हो जाएगी 6/8। देखो जब ये 6/8 हो जाएगी तो इसे रब कर देते हैं हम, जब ये 6/8 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस आर हो जाएगी 8/6 यानी 4/3, तो ये आर हो जाएगी 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3 ohms। तो इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो है 4/3 ohms, क्लियर। अब इसकी भी रेजिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 1.7 ohms, ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में नहीं, किसमें है बताओ, ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है, तो ये तो 4/3 हो गई और ये 1.7, दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी आर टी, मान लो 1.7 + 4/3, तो 4/3 क्या होता है, मैं क्या होता है 1.333, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 3 ohms के, 1.7 + 1.333, तो ये आ जाएगा 3.333। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे ले लेते हैं 3 ohms, दिख रहा है ना ये आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है, कैलकुलेशन इजी हो गई। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं रह गया, अब आपको बस करंट निकालना है और ईएमएफ आपने निकाल ही ली है, तो चलो अब इसे रब कर दें, इसे ऊपर रब कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस हो जाएगी, रेजिस्टेंस तो आपने निकाल ली आर, अब पूछा गया है करंट, करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 5 × 10⁻⁴, रेजिस्टेंस है 3 ohms। चलो इसे फटाफट सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 1.67 × 10⁻⁴ एम्पियर,
इसको आप ऐसे लिख दो 167 माइक्रो एम्पियर। चलो एक एक स्टेप और लिख देते हैं, 167 इंटू 10^-6 एम्पियर। माइनस सिक्स क्या होता है? माइक्रो। तो ये है 167 माइक्रो एम्पियर, ये आंसर होगा। तो अल्टरनेटिव में जो आंसर था वो माइक्रो एम्पियर में था, इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, है ना आसान सवाल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग लगेगा ये क्वेश्चन। मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इस वक्त, ये जेईई 2019 में आया था। इस चैप्टर से जेईई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, थोड़ी वैल्यूज चेंज कर गई हैं, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, ये मत सोचना कि जेईई में आ गया है तो ट्वेल्थ के बोर्ड में नहीं आ सकता, ट्वेल्थ के बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो समझ लो इस क्वेश्चन को, अ 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इट इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 meters per second एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 × 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। तो ये जो आपका वायर है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऐसे रखा गया है, देखो ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया, ये आपका वायर रखा हुआ है और ये वायर कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, 5 meters per second। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 degrees। तो इसमें सिंपली इंड्यूस ईएमएफ लगाने के लिए बस सिंपली फॉर्मूला लगा दो, ई इक्वल टू बी वी एल। बी की वैल्यू दे रखी है 0.3 × 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है 5 meters per second और एल दे रखा है 1 meter। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 0.3 × 10^-4 × 5 × 1, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10^-4 वोल्ट। 1.5 × 10^-4 वोल्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? चलो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। ठीक है, इन तीनों न्यूमेरिकल्स को देखो, मोशनल ईएमएफ के ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ और न्यूमेरिकल आपको दिखाई देते हैं, इधर उधर कहीं मिलते हैं किसी बुक में, उनकी प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, बाय, आज के लिए इतना बहुत है, बाय।